नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट रिजल्ट 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 27 जनवरी 2022 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, यूपी टेट ऑफिशियल आंसर की पेपर वन और पेपर टू की आज जारी होगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले आप लोग अपनी ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड करना, तो हमने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक दिया, जहां से सबसे पहले आप ही लोग अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस समय की दोस्तों बड़ी अपडेट आपके सामने रखेंगे। क्या दोस्तों, यूपी टेट की परीक्षा दोबारा होगी? जैसा कि आपको पता होगा कि मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। तो गाइस देखिए, आज जारी होगी यूपी टेट के आंसर की, इस अपडेट को तो देखेंगे ही। लेकिन दोस्तों इस समय की एक और बड़ी अपडेट आपके सामने रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी क्या अपडेट आ रही, देख सकते हैं। इस समय लगातार हमारे देश में जो ट्रेंड हो रहा है, आरआरबी एनटीपीसी 2 लाख से ज्यादा ट्वीट, जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स। जी हाँ दोस्तों, लगातार ये हमारे देश में ट्रेंडिंग नाउ पर चल रहा है। तो ये दोस्तों बड़ी अपडेट है। उसके बाद देखिए, कोरोना मामलों की लगातार वृद्धि हो रही है, इस अपडेट को भी देखेंगे। एक और दोस्तों बड़ी अपडेट, बिहार से आ रही छात्रों ने दोस्तों गया में श्रमजीवी एक्सप्रेस में आग लगा दी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी ट्रेन धू धू कर जल रही है। तो ये दोस्तों बड़ी अपडेट है। उसके बाद देख सकते हैं कुछ ट्विटर यूजर क्या लिखते हैं, जरा इस अपडेट को भी देखिए कि देश के बेरोजगार युवाओं को शपथ लीजिए कि बेरोजगारी बढ़ाने वाली भाजपा को मैं आजीवन वोट नहीं दूंगा। जी हाँ दोस्तों, बच्चे अपनी अपनी राय समय ट्विटर पर रख रहे हैं और आप यहाँ पर देख रही है लगातार पथराव बच्चों में, पुलिस में। तो आप देखिए दोस्तों क्या से क्या हो गया। जी हाँ दोस्तों, कितने कम समय में क्या क्या हो गया, और देखिए लगातार ट्विटर पर क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। रेलवे जस्टिस फॉर स्टूडेंट, देखिए दोस्तों अभी तक ग्रुप डी में क्या था ना, एक पेपर होता था, लेकिन दोस्तों इस बार CBT 1 और CBT 2 दो दो दोस्तों पेपर की बात सामने। ग्रुप डी के लाखों करोड़ों बच्चे दोस्तों बाहर आ गए सड़कों पर, और दोस्तों लगातार इस समय क्या हो रहा है देख सकते हैं भैया, बवाल पर बवाल बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक बात आपको बता दे गाइस, अगर आप सार्वजनिक संपत्ति को ऐसे ही नुकसान पहुंचाएंगे ना, जिसमें देखिए सरकार का कुछ नहीं जाता, आपको क्या लगता है सरकार अपने पैसों से ट्रेन खरीदती है या ट्रेन बनवाती है? गाइस हमारे ही टैक्स का पैसा यहाँ पर लगा, ये जो ट्रेन आप लोग जला दिए। तो ये गलती बिल्कुल मत करिए किसी भी बच्चे से, शांतिपूर्ण धरना दीजिए और दोस्तों डेफिनेटली जीत हमारी होगी। याद रखिएगा दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती। जी हाँ दोस्तों, ओबीसी और एससी कैटेगरी छात्रों का आरक्षण घोटाला, बच्चे दोस्तों लंबे समय तक संघर्ष किए और अंत में 6,800 सीटों पर भैया सरकार को नौकरी देनी पड़ी बच्चों को। फिलहाल नियुक्ति पत्र का इंतजार है, जल्द से जल्द इन बच्चों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, चयन सूची आ चुकी है। तो गाइस, अगर हमारा धरना सही तरीके से चलेगा तो डेफिनेटली हमारी जीत होगी। लेकिन अगर आप ये करेंगे, आगजनी करेंगे, ये सब करेंगे, एक तो दोस्तों नुकसान आपको भी होगा और हो सकता है कि आप अब तक जेल भी पहुंच चुके हो। तो भैया ये सब गलती मत करिए, ठीक है, नौकरी नहीं मिल रही है। अब दोस्तों चुनाव का समय आ चुका है, 10 मार्च को नतीजे आने। तो दोस्तों अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आप किसके साथ खड़े हैं। देखिए कहने तो कुछ नहीं होता कि ये सरकार हमें नौकरी नहीं दे रही तो हम वोट नहीं देंगे, तो दोस्तों वही होता है ना, जब चुनाव का समय आता है तो लोग हजार हजार दो दो हजार में बिक जाते हैं और उसके बाद यही बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों ये नौबत आती जो आपके सामने है, ट्रेन जलाने तक की नौबत आ गई। सोचिए क्या हालात है दोस्त इस समय देश में। तो फिलहाल दोस्तों सब्र करिए और देखिए यूपी टेट परीक्षा रद्द को लेकर क्या अपडेट है, उस अपडेट को भी आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर पहले अपडेट देखिए, न्यूज़पेपर में दोस्तों एक दिन अपडेट आ गई थी कि भैया की टेट का जो पूरा पेपर था हु 2017 से मैच कर रहा था। लेकिन दोस्तों देखिए न्यूज़पेपर वाले भैया लोग भी ना एक दिन के बाद भूल जाते हैं। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा दोबारा हो या परीक्षा रद्द होनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप फेल हो रहे हैं, तो या दोस्तों आपको देखिए संघर्ष करना पड़ेगा। एक बात और आपको बता दें, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि जो बच्चे फेल हो रहे सिर्फ वही बच्चे परेशान है कि परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको दोस्तों बता दें टेट में हर साल लाखों छात्र वो भी पेपर देते हैं ना जिनका टेट पहले से क्लियर हो चुका होता है। हो सकता है दोस्तों पहले बच्चे 110 नंबर पाए हो और सोचते हैं कि दोबारा पेपर देंगे, हो सकता है 120 आ जाए। तो गाइस देखिए, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना वो पेपर से कभी डरते नहीं है। तो आप लोग डीमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए आपको डीमोटिवेट करने के लिए हजारों छात्र हैं। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हो सकता है कि आपके दोस्त कहें भैया तुम तो फेल हो रहे हो इसलिए शेयर कर रहे हो। तो गाइस देखिए, अपने हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, नहीं तो वही होगा भैया जिनकी जुगाड़ थी, सेटिंग थी, वही बच्चे ज्यादा डर रहे हैं कि यार पेपर अगर दोबारा हो जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि पेपर क्या आने वाला है, ठीक है। तो गाइस देखिए, मामला फिलहाल हाई कोर्ट जा चुका है, एक बढ़िया वाली खुशखबरी है। अगर आप फेल हो रहे तो दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेना है और देखिए उम्मीद करिए न्यायपालिका पर कि जो भी दोस्तों डिसीजन आए सबके हित में आए, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या चल रहा है इस समय हमारे देश में, लगातार बच्चे धरना दे रहे हैं। और आप दोस्तों यहाँ पर देखिए,
लॉज के कमरों में दरवाजा तोड़कर घुसी पुलिस, की गई पिटाई। जी हाँ दोस्त, ये बड़ी अपडेट है, रोकी गई ट्रेन कार्रवाई के विरोध में छात्रों ने किया पथराव। तो दोस्तों देखिए, 20 गुना अभ्यर्थी ही कराए गए क्वालिफाई। अलग अलग दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो कहीं पर दोस्तों ट्रेन में आग लगा दी जा रही है। तो दोस्तों हालात आपको लग रहा है कि सामान्य नहीं है, कोविड का दोस्तों समय कोरोना का, लेकिन इस बार बच्चे देखिए दोस्तों बिल्कुल विकराल रूप धारण कर लिए। लेकिन आप लोग दोस्तों धैर्य रखिए, संयम रखिए, नहीं तो फिर देखिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बेमतलब का दोस्त इन सब चक्करों में पकड़े गए ना तो कैरियर वैसे भी चौपट हो जाएगा। इससे अच्छा दोस्तों आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बाकी और नंबर अच्छे लाने का प्रयास करिए। बाकी दोस्तों देखिए, हमारी यूपी टेट की परीक्षा हो चुकी है, अब आज ऑफिशियल आंसर की आनी है, ठीक है। परीक्षा रद्द होगी कि नहीं इस पर तो दोस्तों देखिए फैसला कोर्ट ही लेगी। बाकी देखिए, सरकार को फैसला लेना होता तो अब तक सरकार ने फैसला ले लिया होता। पिछली बार दोस्तों पेपर लीक का प्रकरण था, परीक्षा तुरंत निरस्त कर दी गई, एक अच्छी खबर थी, गुड न्यूज थी। लेकिन उस समय भी दोस्तों बहुत से बच्चों ने कहा कि परीक्षा रद्द नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस बार की दोस्तों बात वही है, जब पेपर फिर से रिपीट हो गया 2017 से, तब इस बार बच्चे नहीं कहने आ रहे वो वाले कि भैया परीक्षा रद्द करना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है, मामला आपके समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। तो कुल मिला के देखिए दोस्तों, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं तो वो बच्चे फिर से प्रयास करेंगे, भले उनके 120 नंबर आ रहे हो, वो बच्चे सोचेंगे यार पेपर दोबारा हो जाए, हमारा 120 से 140 पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों जो बच्चे जुगाड़ तरीके से पास हुए होंगे, ठीक है, तो वो बच्चे सोचेंगे भैया नहीं यार, पेपर अगर दोबारा होगा तो हो सकता है कि 120 से सीधे 90 पर आ जाए, या हो सकता है कि 70 पर ही आ जाए। क्योंकि दोस्तों आप पता कर लीजिएगा, आपके बहुत से साथी होंगे जो दोबारा पेपर दिए होंगे, पहले से उन बच्चों का टेट क्लियर होगा, उसके बाद भी पेपर वो देने गए, बस उनका एक ही मकसद होता है कि हम और अच्छा प्रदर्शन कर सके परीक्षा में। तो गाइस, जो बच्चे पास थे उनको टेंशन नहीं, दोबारा वो पेपरों का फिर से दे लेंगे, हो सकता है कि इस बार वो 150 में 150 तक भी पहुंच जाए। तो देखिए, तैयारी जितनी बार आप पेपर देंगे उतनी ही अच्छी तैयारी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी कोई सुपर टेट का पेपर नहीं आ रहा है, कि अगर दोस्तों पेपर दोबारा भी हो जाएगा तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर जैसे होता है ना कि सुपर टेट का पेपर आ चुका होता, बिल्कुल सर पर होता कि भैया फरवरी में सुपर टेट का पेपर होने वाला, तो ठीक है, अपडेट हो गया, सुपर टेट होगा, जो पास हुआ, फेल हुआ फेल हुआ। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ है नहीं, 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे और उसके बाद ही दोस्तों वैकेंसी की कुछ एक उम्मीद जगेगी। तो ये मान के चलिए दोस्तों, जो हमारी वैकेंसी है 2022 के अंत तक आ सकती है। अब धीरे धीरे, जब इतना ज़्यादा दोस्तों डीले पहले हो चुका है तो समय और लगेगा, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा दोस्तों कि कोई भी नई सरकार बनते ही तुरंत मतलब हो जाएगा कि लाखों पदों पर वैकेंसी आएगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट निकल कर आएगी उस अपडेट को हम आप तक देखिए पहुंचाएंगे। वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपकी आवाज़ और बुलंद हो। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि जिन बच्चों का भैया क्लियर हो गया, वो बच्चे तो ठीक है सुपर टेट की तैयारी में लग जाएंगे, लेकिन जिन बच्चों का टेट अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है, तो पहले तो आप लोग को यूपी टेट की परीक्षा क्लियर करनी ही पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपका सी टेट क्लियर हो जाएगा तब भी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सी टेट पाते तो भी बढ़िया। देखिए, आप में से कुछ बच्चे परेशान होंगे कि नहीं यार टेट की परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा कर रहे होंगे, हो सकता है उनका पेपर अच्छा क्या हो। देखिए, जो बच्चे यूपी टेट में एक अच्छा स्कोर किए होंगे ना, तो 100% वो सी टेट में भी भैया बहुत ही अच्छा स्कोर करके आए होंगे, ठीक है। तो जब उनका सी टेट निकल जाएगा तो यूपी टेट की जरूरत क्या है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कौन से बच्चे हैं जो बीच में आके आपको डीमोटिवेट करना चाह रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसा तक कह रहे हैं कि जो बच्चे फेल हो गए उनका भैया जन्म सिर्फ जनगणना के लिए हुआ, कि जनगणना में उनका नाम आता रहे। ऐसा नहीं दोस्तों, देखिए फेल छात्रों को कभी कम नहीं समझना चाहिए किसी को, ठीक है। हो सकता है कि इस बार आपकी किस्मत अच्छी थी, आप एक अच्छा स्कोर कर दिए। डीएलएड में भी दोस्तों ऐसा ही होता है, डीएलएड या बीएड का आप पेपर दिए होंगे तो कुछ बच्चे एक या दो नंबर से रह जाते हैं, तो उन बच्चों को भी दोस्तों काफ़ी ताने सुनने को मिलते, तंज कसे जाते हैं उनके ऊपर। लेकिन दोस्तों आप कभी डीमोटिवेट मत होइए, एक दो नंबर से रुक गया ठीक है, मामला कोर्ट में जाएगा और दोस्तों कोर्ट में फैसले बड़े बड़े देखने को मिले। 69,000 शिक्षक भर्ती का दोस्तों मामला जब हाई कोर्ट में पहुंचा तो पहले आपको बताते, सिंगल बेंच का जो फैसला आया था उसमें 40% और 45% कटाप की जीत हुई थी, फिर दोस्तों डबल बेंच में 60% और 65% की जीत हो जाती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो अंततः फैसला आता है वो 60% 65% के पक्ष में आ जाता है, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, फैसले बड़े बड़े बदले जा सकते हैं। तो अब दोस्तों आज फाइनल आंसर की तो नहीं, लेकिन आज आंसर की आने वाली है ऑफिशियल। और दोस्तों हम आपको बता दें, हम आपके लिए पूरा प्रश्न पत्र हल ऑफिशियल आंसर की से बनाएंगे, जहां पर दोस्तों आप एक एक क्वेश्चन को मिला सकते हैं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों फिलहाल मामला हाई कोर्ट में है, जब उसकी सुनवाई शुरू होगी तो पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है, परेशान मत होइए। और इस समय दोस्तों किसी भी ऐसे समर्थन मत करिएगा भैया जहां पर
कोई भी हिंसा की खबर सामने आए। ठीक है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, कोरोना के अभी केसेस काफी बढ़ रहे। कोरोना तो जरा दिखा भी देते हैं कि कोरोना के दोस्तों कितने मामले सामने आए 24 घंटे में। तो पहले दोस्तों देख लीजिए, 575 लोगों की जान कोरोना के चलते चली गई, 284,000 से ज्यादा मामले सामने आए और हमारे देश में 22,00,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। ये दोस्तों बड़ा नंबर है, ये देखिए सबसे खतरनाक चीज यही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।